अगले महीने रिलीज होने वाली कमांडो 3 फिल्म का प्रमोशन करने दिल्ली के चंदीराम अखाड़े में पहुंचे विद्युत जामवाल ने कुश्ती के विद्यार्थियों को संबोधित किया और यहां पर आए युवक युवतियों को जो कि कुश्ती का प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको स्वयं अभिनेता विद्युत जामवाल ने रेफरी की भूमिका अदा कर कुश्ती का खेल देखा और यहाँ मौजूद युवक युवतियों की सराहना की और उन्होंने लड़कियों की मदद के लिए युवाओं को आगे आने को कहा। आइए सुनते हैं विद्युत जामवाल ने क्या कहा। सर आज का सर ये मकसद क्या था आपका यहाँ पर, बच्चों का हौसला बढ़ाने का था या फिल्म का प्रमोशन के लिए कमांडो 3 के लिए? बच्चों का हौसला बढ़ जाए वो बहुत बड़ी चीज़ है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और करेंगे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हर कमांडो में जाकर किसी ना किसी को बहुत इज्जत देता हूँ। जैसे मैं अभी हाल ही में नागालैंड गया था, मणिपुर, जहाँ फिल्म स्टार ज़्यादा जाते नहीं हैं, और मुझे लगा वहाँ पे जो हमारे इंडियन फोर्सेस के जवान हैं उनसे मिला जाए, सिर्फ उनसे अच्छी बातें कर ली जाए वो बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ और ये जो हमारे लड़के और लड़कियाँ हैं जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कमांडो के फ़ैन भी हो ना, कमांडो के फ़ैन सो उनको मिला जाए और उनके साथ ये रिलीज़ की जाए फिल्म, वो ज़्यादा बड़ी बात। कमांडो 3 जो फिल्म है वो देश की एकता के बारे में, हमारे देश में बहुत एकता, सिर्फ कई लोग हैं जो नाम बदनाम करते हैं और वो कई लोगों के चक्कर में पूरे देश का नाम खराब होता है। कमांडो 3 इस बारे में है कि एक हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी हो, वो सब भारतवादी हैं, कोई किसी से ज़्यादा देशभक्त नहीं है। ये फिल्म इसी बारे में है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, उससे पहले मैंने एक बात बोली थी जब आप बिजी थी कि जब लड़का कभी लड़की के लिए दरवाज़ा खोलता है उसको ये सिखाना चाहिए लड़की को कि वो थैंक यू बोले। अगर वो लड़की थैंक यू बोलती है लड़की को, वो हर लड़की के लिए दरवाज़ा खोले। इससे पहले जब हम बाहर थे मैं ये बात कर रहा था कि विमेन ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, लड़कियों को समझने की ज़रूरत है, हमारे देश के जो मर्द हैं वो सही के मर्द हैं। सो हम इसे एक कोई ख़राब निकलता है तो सबका नाम खराब हो जाता है, पहली बात ये। दूसरी बात, हमारी लड़कियाँ बहुत तगड़ी हैं। अगर आप दुर्गा माँ को देखें, आप काली माँ को देखें, सब लड़कियाँ ही हैं। और आज हम लोगों ने शुरुआत भी लड़कियों की रेसलिंग से ही की थी। जी, जी, जी। कई बार लोगों को बताना पड़ता है, कई बार उनको समझाना पड़ता है। और अगर एज अ सेलिब्रिटी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपने लड़कों को बोलने के लिए कि इनकी रक्षा करें, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इस सवाल का गलत सवाल बनाना गलत है और ये लड़की ही कर सकती है। नहीं मैम, लड़कों के दिल में बहुत इज्जत है। हम हिंदुस्तानी जो लड़के हैं वो अपनी माँ, बहन, दोस्तों के साथ पले बड़े हैं। इनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ बोलने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत सही कर रहे हैं। ये सब जो जितने एथलीट्स हैं बहुत इज्जत करते हैं लड़कियों की, ये सब कमांडोज हैं। आप जिस लड़की को देखें वो कमांडो है। हर लड़की अपने लिए खड़ी हो सकती है, मगर अगर मर्द उनका सपोर्ट करें, वैसा वर्षा लड़कियों की सपोर्ट करें, हम दुनिया की नंबर वन कंट्री हैं और रहेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि लड़के और लड़कियों को साथ में ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मैं अभी जर्नलिस्ट को बता रहा था कि इज्जत ऐसे बनती है, आप जब लोगों के साथ मिलजुल के करें तो इज्जत बनती है। और मैं जगदीश जी जो यहाँ के ओनर हैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, जिस तरह से अपनी बेटी, अपने बेटे सबको सिखा रहे हैं, जितने यहाँ पे हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं उनको सिखा रहे हैं। इट्स ग्रेट रिस्पेक्ट टू एवरी इंडियन ओवर। यू सी आई एम एन एथलीट सिंस आई वाज 3 years old. I have great respect for any form of sport, whether it's table tennis also. It looks like a simple sport, but it requires a lot of discipline. It requires a lot of integrity. It requires a lot of patriotism. Because every time somebody is playing a sport, जब मैं छोटा था, मैं table tennis खेलता था, मैं सोचता था देश को represent करूँगा। फिर मैंने golf खेलना शुरू किया, देश को। तो जितने athletes हैं उनका basic aim देश को represent करना ही होता है। मैं चाहूँगा कि दर्शक कमांडो 3 देखें। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने कमांडो 1 और 2 को बहुत प्यार दिया, और मैं बहुत खुश हूँ कि लोग जानते हैं कि जो भी वो फिल्म में देखते हैं कमांडो में, वो सब हकीकत का है, कोई केबल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ, दुनिया में लोग हमारी फिल्मों की सराहना करते हैं। सो मैं बहुत खुश हूँ। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।